हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 9 जून 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे एयरटेल में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन एयरटेल में हमें 3.21% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 663.30 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा जो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट, 1 डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं सबसे पहले आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम हमें देखने मिला है। कैंडल यहाँ पे मीडियम साइज की बनी और दोनों के साइड में हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, 34-35 के आसपास हमारा आरएसआई आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है यहाँ पे हमें जरूर एक नेगेटिव मोमेंट जो देने वाला है, मतलब एक डाउन साइड में हमें आते हुए देखने मिलने वाला है। चांसेस बहुत ही हाई है, 654 यहाँ पे जो है सबसे पहले गिरेगा और फिर उसके बाद उसके नीचे का क्लोजिंग हमें देखने मिली तो 640 तक भी इजिली हमें स्टॉक जो गिरते हुए देखने मिल सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक में आप कॉशियसली काम करें क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे अभी भी नेगेटिव है। जब तक यहाँ पे आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिले उसे ही आप ग्रैब करें, कोई भी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे आप बिल्कुल भी ना जाए। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी क्या अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं स्टॉक में कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, यहाँ पे मुझे एक नया जो है डेटा देखने मिला उसी को यहाँ पे मैं जो जरूर मार्क करके रख देता हूँ। बाकी यहाँ पे ऐसा हमें कोई भी मार्किंग जो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो फिलहाल यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिडल में लेकर आता हूँ, दोनों साइड का हमें यहाँ पे डेटा देखने मिले कुछ ऐसा कर देता हूँ। क्लोजिंग आप देख सकते हैं 663 के आसपास क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे 660 का, डायरेक्ट रेशन यहाँ पे आता है 665 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेशन का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट 2 सपोर्ट जोन और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 656.15 का, उसके बाद क्या आता है 649.40 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 671.35 का, उसके बाद क्या आता है 675.80 का। तो यहाँ पे मैंने जो 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं जरूर जो आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव साइड का क्लोजिंग का है, मतलब
656.15 से लेके 660 के बीच में हमें क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है। चांसेस आए गैप डाउन ओपनिंग भी हमें देखने मिले और इवन उससे भी और नीचे जाते हुए देखने मिले, लेकिन करंटली अगर यहाँ पे न्यूट्रल या फिर स्लाइड गैप अप भी हुआ तो यहाँ पे इस रेंज में हाई चांसेस स्टॉक में हमें क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है। बाकी यहाँ पे आप देखना प्री ओपन मार्केट में 666 के ऊपर जो है यहाँ पे गैप अप ओपनिंग ना हो जाए, मतलब हमारे डायरेक्ट रेसिंग को क्रॉस करते हुए ना हो जाए और यहाँ पे शुरू में ही ओपनिंग में 5-15 मिनट के चार्ट में अपसाइड मूवमेंट जो है वो ना दे, क्योंकि अगर अपसाइड मूवमेंट आया तो यहाँ पे हमें स्टॉक जो है बहुत ही न्यूट्रल साइड में एक पॉजिटिव क्लोजिंग भी जो है वो दे सकता है। यहाँ पे मैं आपको मूवमेंट जो है समझा रहा हूँ, करंटली आज के क्लोजिंग के बेसिस पे मेरा ओपिनियन कल के लिए नेगेटिव क्लोजिंग का ही है, लेकिन यहाँ पे याद रखें मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड में भी जो है हमें जाते हुए फिर देखने मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वॉलेटिलिटी है कुछ इस तरह से हमें देखने मिल रही है अभी हमारे ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में भी। तो इसके लिए थोड़ा सा आप जो स्टॉक में कॉशियसली काम करें, मोस्टली यहाँ पे जब भी आपको शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी उसे ही आप ग्रैब करें, क्योंकि वही आपको फिलहाल के लिए जो प्रॉफिटेबल स्टॉक में देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।